बोर्ड पे देखिएगा। आज हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक बार मैं बता दूं हमने क्या क्या कर लिया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने सबसे पहले क्या करा था, सबसे पहले हमने करा था कि कौन से इंफॉर्मेशन को कहाँ पुट किया जाए। जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है, बट अगर फिक्स एसेट से रिलेटेड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, और शेयर कैपिटल से रिलेटेड या लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग नॉन करंट लाइबिलिटीज का आपका माना जाता है किससे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। उसके बाद हमने एडजस्टमेंट करा, पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का किया, हमने उसे अच्छे तरीके से समझ लिया। सेकेंड एडजस्टमेंट हमने किया डेप्रिसिएशन, थर्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आज फोर्थ एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। इस एडजस्टमेंट को करने के बाद हम पूरा फॉर्मेट भी नोट करेंगे। तो फोर्थ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपको बस ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है ऐसा इस टॉपिक में इतना बड़ा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कई बार आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होता है, सपोज करो ये बैलेंस शीट है, ये 2010 या 2018 और 2019, और यहां इस तरीके से गिवन है 10% लोन या डिबेंचर कुछ भी हो सकता है। सपोज करो 12,000 और ये हो गया हमारा 18,000। तो इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमारा लोन पहले 12,000 का था, अब 18,000 रुपए का हो चुका है, यानी 6,000 रुपए का मैंने और न्यू लोन लिया है। न्यू लोन लिया गया है कितने का, 6,000 का। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसकी बात करते हैं, तो क्वेश्चन रेज होता है सर हम 12,000 पे लोन इंटरेस्ट कैलकुलेट करें या 18,000 पे। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग टेकन लोन। अगर लोन किस दिन ये 6,000 का लिया गया है इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन दे दे तो कैसे करेंगे। मान लो मैंने लिखा लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018, सॉरी 2019, यानी ये 1920 है, ये 1819 है। 1 अक्टूबर 2019, बस मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया। सबसे पहले ध्यान से देखना, ये लोन था 12,000 से 18,000 और लोन टेकन हुआ 1 अक्टूबर 2019, ये 1819 है या 1920 है। तो हमें क्लियरली पता चल गया कि लोन जो है वो साल के बीच में लिया है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो जब आपको इसका सॉल्यूशन पहले मैं कर देता हूं, ये देखो ये पूरा साल है, ये ओपनिंग स्टार्टिंग में साल के हमारा 12,000 रुपये लोन था। फिर कहीं बीच में जाके आपने बताया सर आपने 6,000 का और लोन लिया, उसके बाद एंड में आपका इसको लेने के बाद 18,000 हो गया। तो इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, बहुत ही सिंपल है। यहां से लेके यहां तक 6 मंथ होते हैं, और इस 6 मंथ में आपका इंटरेस्ट निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा, 12,000 मल्टीप्लाई 10/100, और 6 मंथ का निकाल रहे हैं हम तो 6/12। तो यहां पे इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, ₹600। ये तो इस पोर्शन का इंटरेस्ट निकाल लिया हमने। अब जो आगे का पोर्शन है हमारा, यहां पे लोन जो है हमारा वो बढ़ गया है, यहां लोन बढ़ गया है इस एरिया में। बाकी के 6 महीने हमारे लोन अब 12,000 नहीं रहे, अब हो गए हमारे कितने, 18,000। तो 18,000 के केस में हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 10/100 इंटू 6/12, यही रहेगा। तो अगर मैं इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो इसका इंटरेस्ट क्या आएगा देखते हैं। इसका इंटरेस्ट आएगा 18,000 का 10%
900 रुपये इसका इंटरेस्ट आया हमारा 900। अब ये 900 रुपये का ट्रीटमेंट करना है हमें, यानी जब आपको डेट गिवन था, अब देखो हेडिंग देखते हैं कि व्हेन इंफॉर्मेशन इन गिवन इंटरेस्ट कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू डेट। तो देखो क्या मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है डेट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक। टोटल इंटरेस्ट बन गया हमारा 1500 रुपये। अब जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट को कहां कहां शो किया जाता है, दो जगह जाता है बेसिकली। कहां कहां जाएगा, एक ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और एक लेस हो जाएगा जाके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आपको ध्यान रखना है कितना अमाउंट लेस या ऐड होगा, बस 1500 रुपये। 1500 रुपये ऐड हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नेट प्रॉफिट में जाके और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस हो जाएगा। इसके बाद मैं फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी फॉर्मेट करूंगा। तो आपने जो फॉर्मेट किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, उसके नीचे कंटिन्यू या अलग पेज पे आप इन्वेस्टिंग और उसका भी फॉर्मेट करेंगे और उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो इस वाले इंफॉर्मेशन में हमने क्या किया कि मान लो अगर आपको लोन दे रखा हो और लोन किस दिन लिया गया है उसका डेट गिवन है, तो हमें उसको डेट के अकॉर्डिंग लोन का इंटरेस्ट निकालेंगे और दोनों इंटरेस्ट को जोड़ देंगे और एक ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा और एक जाके फाइनेंसिंग में लेस हो जाएगा। समझ में आई बात, होना यही है, लेकिन बस आपको इंटरेस्ट करेक्ट निकालना पड़ेगा। यहां तक पॉइंट आपको क्लियर है? चलिए एक बार इस वाले पॉइंट को, पहले इस वाले एग्जाम्पल को नोट करिए आप, फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लेके आता हूं इससे रिलेटेड, जब हमारा लोन कम हो रहा हो तो कैसे करेंगे, क्लियर? तो पहले इसको आप नोट करिए फटाफट से, कर लिया नोट। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब मेरे इस क्वेश्चन में देखना ध्यान से कि 12000 से 10000 हो गया, इसका मतलब 2000 रुपए का, 2000 रुपए का हमने रीपेड किया है, रीपे किया है मतलब वापस दे दिए। रीपे किस दिन किया है क्वेश्चन में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। मैंने नीचे लिख दिया लोन रीपे या रीपेड टू बैंक ऑन 1 अक्टूबर 2019। सेम एग्जाम्पल रख रहा हूं मैं, ठीक है। अब अगेन हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मैं अभी इसी का एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, इसका दूसरा पार्ट। अगर हमारा घट रहा हो, पहले तो बढ़ रहा था, अब घट रहा है तो क्या करेंगे, ठीक है ना? तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप बिल्कुल। तो फिर से मैं एक टाइमलाइन बनाता हूं, आप बताना मुझे फटाफट से बताओ, अब तो आपको समझ आ गया होगा। स्टार्टिंग में कितना लोन है, आंसर दो 12000। एंड में कितना लोन है बताओ, 10000। अब मैंने 2000 पेमेंट कब किया, साल के मिड में। मिड में 2000 रुपए क्या कर दिया मैंने, वहां पे तो प्लस हुआ था 6000, यहां माइनस हो गया। आप मुझे बताना जो ये वाला एरिया है, इंटरेस्ट निकालते हैं अब सिंपल, जो ये वाला एरिया है इस पे इंटरेस्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। इस पे इंटरेस्ट क्या निकलेगा बताइए, और कितने मंथ का निकलेगा? तो सर 6 महीने का निकलेगा 12000, क्योंकि यहां से यहां तक हमने 12000 रुपए यूज किया है। तो 12000 रुपए यहां से यहां तक का 6 महीने का कैसे निकालेंगे, 12000 पे निकालेंगे 12000, 12000 मल्टीप्लाई रेट 10% है, इनटू में 6/12, तो आंसर इज सर 600, ठीक है। अब सेकंड एस्पेक्ट पे चलते हैं। सेकंड एस्पेक्ट में अब ये वाला एरिया आ गया हमारा, ये वाला एरिया। अब बताओ यहां पे क्या 12000 ही लोन था या कम हो गया, क्योंकि 2000 मैंने यहां पेमेंट कर दिया। तो सर यहां से यहां तक लोन जो था वो 12000 नहीं है, वो लोन था हमारा 10000। तो हम अब इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, अब सर 10000 पे निकालेंगे, बिल्कुल ठीक। चलिए 10000 पे इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सर 10000 मल्टीप्लाई 10/100 इंटू 6/12,
₹500, ठीक है? समझ में आया आपको बात? पहले वाले एग्जाम्पल में 12 से 18 किया था, लेकिन अब वाले एग्जाम्पल में देखो क्या, 12 से 10 हो गया, तो कम हो गया, तो इंटरेस्ट हमारा टोटल क्या आ गया? टोटल आ गया हमारा ₹1100। अब ₹1100 एक बार ऑपरेटिंग में ऐड और एक बार फाइनेंसिंग में लेस। तो मेरा बताने का मतलब है कि जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन के आगे रेट गिवन हो और नीचे इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू डेट, और डेट के अकॉर्डिंग देख लो कहां तक कितना पैसा इस्तेमाल किया है, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकाल के आप ऑपरेटिंग में ऐड कर दोगे और फाइनेंसिंग। अगर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हो तो ऑपरेटिंग में ऐड कर दो, खत्म कहानी। लेकिन अगर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो फाइनेंसिंग में भी सेम अमाउंट को लेस करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात आपको? कोई डाउट? चलिए आप एक बार इस वाले पार्ट को भी नोट करें, फिर मैं दूसरे वाले पार्ट पे लेके चलता हूं आपको, ठीक है? नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट, हमारा ये वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, इंफॉर्मेशन व्हेन इंफॉर्मेशन नॉट गिवन। सपोज करो आपको बैलेंस शीट के अंदर लोन गिवन है, बेसिकली ये हिडन एडजस्टमेंट है, कई बार नहीं बताता। लोन गिवन है, पहले कितना था? 12, अब भी 12 है, कुछ तो बताया नहीं, लेकिन इसके आगे अगर रेट दे रखा है तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले। अब पूरे साल हमारा क्या था यहां पता नहीं है, नीचे अगर इंफॉर्मेशन देता कि भाई इस दिन लोन लिया इस दिन दिया तो पता चलता। अब हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा? व्हेन इंफॉर्मेशन नॉट गिवन इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस, हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना, टेंशन खत्म। अगर बोलता है लोन मैंने इस दिन लिया इस दिन दिया तो डेट के अकॉर्डिंग ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, लेकिन जब कुछ नहीं बोला तो ओपनिंग पे। यहां इस केस के अंदर हमारा एग्जाम्पल में इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन ओपनिंग बैलेंस कौन सा होगा? 2018 12,000 पे इंटू 10/100 इज इक्वल टू ₹1200। और ये ₹1200 को क्या करना है? इस 1200 को दो जगह ले जाएंगे, फिर से प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट के अंदर। सेकंड क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, माइनस कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, सेम, ठीक है? समझ में आया ये पॉइंट आपको? अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो कहां कैलकुलेट करना है? ओपनिंग पे। क्लियर? चलो एक बार इसको नोट करो, इस वाले एग्जाम्पल को। मैं एक दो और एग्जाम्पल लेता हूं जिससे कि आपको नोटिंग पूरा करना है, यानी कि समझ में आ गया तो छोड़ दो, नोटिंग करोगे तो बाद में आपको रिमाइंडर रहेगा। चलिए पहले इसको एक बार नोट करिए, फिर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है? क्लियर? चलिए आपने अभी अभी ये नोट कर लिया, दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। सपोज करो 12,000 था और अब मैंने 18 कर दिया, सर ये तो पहले जैसा एग्जाम्पल हो गया और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है नीचे, तो ₹6,000 का लोन लिया गया और हमें इंफॉर्मेशन तो पता नहीं है कब लिया गया, अगर पता होता तो उसके अकॉर्डिंग डेट के अकॉर्डिंग निकाल लेता जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था। ऐसे सिचुएशन में क्या बोला मैंने, किस पे निकालोगे? 15,000 पे। तो आंसर इज 12,000 इंटू में 10/100, अगेन आंसर इज 1200, हम इसी पे नीचे लिख देंगे और नीचे अज्यूम करेंगे, वी अज्यूम दैट, नोट लिखेंगे, वी अज्यूम दैट लोन टेकन, लोन टेकन किया कब किया होगा जब इंटरेस्ट नहीं निकाला? एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है? एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड द एंड ऑफ द ईयर के हमने यहां पे कर दिया। किसी को कोई डाउट? चलिए एक बार इसको भी अच्छे से नोट करिए आप। कर लिया नोट? अगले पॉइंट पे चलते हैं। मैंने इसको सपोज करो, अब तो आप खुद आंसर देना, मैंने इसको कर दिया सपोज करो 10,000, अब बताओ क्या इंटरेस्ट होगा यहां पे? मतलब सबसे पहले बताओ कि क्या हो रहा है, लोन का पेमेंट हो रहा है या लोन लिया जा रहा है? तो आंसर इज सर यहां पे लोन का पेमेंट हो रहा है, क्योंकि 12 से 10 कम हो गया, तो लोन का पेमेंट हुआ। तो अगेन किस पे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस पे। तो ओपनिंग बैलेंस पे हमने निकाल लिया। यहां पे अजम्पशन क्या रहेगा? लोन का पेमेंट हुआ एंड ऑफ द ईयर में, यहां टेकन नहीं आएगा, लोन का जो पेमेंट हुआ, लोन पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, शुरू से पूरे 12,000। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लू तो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टार्टिंग में
था और लास्ट में अगर 10 है तो हमने लास्ट में तक 12 यूज किया और लास्ट में ही 2000 पेड किया, तो इसका मतलब लास्ट का बैलेंस नेट में 10,000 जो कि शो हो रहा है। तो 12,000 तो हमने पूरा ही यूज कर लिया ना, तो इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस पे अजम्पशन मान के करेंगे। क्वेश्चन में गिवन हो चाहे ना गिवन हो, ओपनिंग बैलेंस पे आपको अजम्पशन मानना है। और अगर डेट वगैरह दे दे इस दिन लिया है तब तो कोई झंझट है ही नहीं। तो आपका एडजस्टमेंट नंबर 4 फिनिश्ड हो गया, जो था आपका लोन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार एडजस्टमेंट, चारों में से एक आपके एग्जाम में आएगा। अब हम कैश फ्लो का अगला पार्ट करेंगे जो कि हमारा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उससे आगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक बार फॉर्मेट समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। एक बार आप इसको अच्छे से नोट करिए, ठीक है?